हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ गाइस कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट किसे कहते हैं और ये कितने समय के लिए लगता है और ये क्यों लगता है गाइस। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे गाइस कि एक तरफ होगा 100% बायर और एक तरफ होगा 100% सेलर। तो ये जो 100% बायर है गाइस, ये अपर सर्किट है, इसे हम अपर सर्किट लगना बोलते हैं। और ये जो 100% जो सेलर है, इसे हम लोअर सर्किट बोलते हैं। इन केस में जब ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगता है गाइस, तो इसमें ट्रेडिंग बैन हो जाता है। जैसे कि आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओ कोई भी, मतलब इस शेयर्स को ना तो आप बाय कर सकते हो ना ही सेल कर सकते हो, मतलब टोटली ट्रेडिंग इस शेयर्स पे बंद हो जाता है गाइस। तो आज के वीडियो में मैं ये टोटली कवर करने वाला हूँ और सिंपल वे में बताने वाला हूँ गाइस कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्यों लगता है, क्या लगता है, सब चीज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और गाइस, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इस तरह का वीडियो हमेशा इस चैनल पे लाते रहेंगे गाइस। और एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा कि कुछ भी सवाल जवाब होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मगर एक व्हाट्सअप का नंबर भी आप लोगों के लिए दे दिया हूं कि कुछ भी प्रॉब्लम शेयर मार्केट रिलेटेड होता है तो आप वहां पर मैसेज करके पूछ सकते हो, मगर थोड़ा सा रिप्लाई करने में देर हो जाता है। इन केस में एक इंस्टाग्राम का आईडी भी दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, चाहो तो वहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो हमें और वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। विद इन 5 to 10 मिनट मैं वहाँ पे आंसर दे दिया करूंगा गाइस। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ पे ज्वाइन कर लो, इन फ्यूचर इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है गाइस। तो जैसे कि एक बार मान लो कि जब किसी स्टॉक या शेयर जो होते हैं उनका जब डिमांड बढ़ता है, जब बाइंग उसमें मतलब खरीदारी लोग ज्यादा करने लगते हैं, तो वहां पे लिमिट लग जाता है, उसे हम अपर लिमिट बोलते हैं। जहां पे जैसे कि अगर किसी भी स्टॉक है, शेयर है, वो ज्यादा डिमांड में है, ज्यादा उसका वैल्यू मतलब चर्चा ज्यादा है, लोग उसे खरीदना चाहते हैं, मतलब बायर बहुत है, तो उसमें अपर सर्किट लगा दिया जाता है। ये एक्सचेंज की तरफ से लगता है गाइज, ये 2% और 5% और 20% पे अपर सर्किट लगाता है। ये टोटली एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कब किस स्टॉक में कितने पे सर्किट लगाना है गाइस। और लोअर सर्किट में भी यही है गाइस कि लोअर सर्किट में मैं सेम है गाइस कि जैसे कि वहां पे ना डिमांड कम जाता है, मतलब सेलर ज्यादा है, बेचने वाले बहुत हैं मगर खरीदने वाले नहीं है, तो डिमांड कमेगा तो प्राइस नीचे जाएगा ही, और प्राइस नीचे जाता है तो वहां पे लोअर सर्किट लग जाता है। ये भी टोटली एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है, 2, 5 और 10 और 12% पे लोअर सर्किट लगता है, पर ये जनरली एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि कब वो मतलब लोअर सर्किट लगाएगा गाइस। तो जैसे कि आप समझते हो, मतलब सिंपल में एक मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, कि देखो किसी भी शेयर में जब बायर बढ़ते हैं ना, तो जब बायर बढ़ते हैं और सेलर नहीं होते हैं तब इसमें अपर सर्किट लगता है। जैसे कि खरीदने वाले तो बहुत हैं, डिमांड बढ़ेगा तो खरीदने वाले तो बहुत हैं, पर बेचने वाले ही कोई नहीं है। जब आपको पता ही लग जाएगा कि उस शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है तो आप बेचोगे क्या? नहीं बेचोगे, इसलिए वहां पे अपर सर्किट लग जाता है। खरीदने वाले बहुत होते हैं, बेचने वाले ही नहीं होते। इन केस लोअर सर्किट के साथ भी ऐसा ही होता है कि बेचने वाले बहुत हो जाते हैं पर खरीदने वाला ही कोई नहीं होता है। तो जब तक बेच आप जब तक कोई खरीदेगा नहीं तो आप बेच कैसे पाओगे, इसलिए ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होता, इसलिए वहां पे लोअर सर्किट लग जाता है गाइस। तो दूसरा नंबर पे बात कर लेते हैं गाइस कि ये कितने समय के लिए लगता है। तो गाइस ये टोटली एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितने समय के लिए लगता है, क्योंकि जो हमारा जो एक्सचेंज है वो NSE और BSE है, ठीक है गाइस। ये टोटली एक्सचेंज के ऊपर लगता है, वो चाहे तो तुरंत मतलब इंस्टेंट वो चाहे तो लोअर सर्किट खत्म कर सकता है, इंस्टेंट चाहे तो वो एक पूरा होल डे भी लग सकता है गाइस। तो ये टोटली एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि मतलब कितने दिन तक रहेगा, ऐसा नहीं होता। आज अगर है दिन भर तो जनरली जो भी हमारा जो लोअर सर्किट अपर सर्किट होता है वो एक दिन के लिए लगता है गाइस, मगर अगर एक्सचेंज चाहे तो उसे ये तुरंत भी खत्म कर सकता है गाइस, और नेक्स्ट डे फिर से अपर या लोअर सर्किट लग सकता है। ये टोटली एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है, इसका कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है गाइस। तो आप सीधा ही एक दिमाग में बैठा लो कि अपर सर्किट लग गया तो इसका कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कि कोई भी लिमिट नहीं है, कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी लग सकता है, और कभी भी इसका मतलब जो वैलिडिटी है वो टू डे एंड होता ही है, मगर नेक्स्ट डे भी वो अपर या लोअर सर्किट लग सकता है गाइस। और तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं ये क्यों लगता है। तो मैं पहले ही बता दिया था गाइस कि जब किसी का डिमांड बढ़ता है तो उसमें खरीदारी बहुत होती है। तो जब किसी भी मार्केट में जब न्यूज होता है, टिप्स होता है, जब किसी चीज का अच्छा नेगेटिव न्यूज आता है या पॉजिटिव न्यूज आता है, तो किसी भी समझ लो टाटा का पॉजिटिव न्यूज आ रहा है तो लोग टाटा पे बाय बाय करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसमें लग रहा है कि टाटा का शेयर आज हम इन्वेस्ट करें तो कल हमें प्रॉफिट मिलेगा गाइस, तो वो बहुत बाय करते हैं।
बाय करने वाले तो बहुत होते हैं मगर सेलर सेल करने वाले नहीं होते। इन केस में ना वहां पे ये मतलब एक लिमिट लगाया जाता है एक्सचेंज की तरफ से कि ज्यादा किसी को प्रॉफिट भी ना हो और ज्यादा किसी को लॉस भी ना हो। तो वही जो मैं 2, 5 और 10 और 20% बोला था तो एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है। यही लगने का कारण है कि न्यूज के वजह से किसी भी स्टॉक का डिमांड बढ़ता है और लोग वहां पे खरीदारी ज्यादा करने लगते हैं तो एक वो स्पेसिफिक एक वैल्यू तक बढ़ के ही सर्किट लग जाता है गाइस। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए हम इस तरह का वीडियो हमेशा इस चैनल पे लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।